अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं नाश्ते में अपने लिए नमकीन फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ, तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। नमकीन फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी एक मज़ेदार सी सॉस बनाऊंगी। तो पहले मैंने ये चुकंदर इसको ऐसे बारीक बारीक काट के इसको एक पैन में डालने लगी और आधा गिलास में पानी का डाल दूँगी। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आधा गिलास में इसमें पानी का डाल दूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आग पर ऐसे छोड़ दूँ। थोड़ा नमकीन फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए इसकी मुझे मतलब चकंदर का कलर चाहिए। इसकी चटनी बनाने के लिए मुझे सिर्फ उसको कलरफुल बनाने के लिए इसकी चटनी चाहिए। इसका चकंदर का ये सारा जो कलर है वो पानी में आ गया, इसे मैंने ये सारे चकंदर में डाल दिए और तकरीबन एक चुटकी के करीब इसमें ये मैं रेड वाली मिर्च डाल दूँगी और एक से दो चुटकी के करीब इसमें मैं ये नमक डाल दूँगी। एक टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ये कॉर्नफ्लावर एक प्याली में मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें चला जाएगा और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसमें भी थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था ताकि ये अच्छे से ये गाढ़ी हो जाए। इसे एक से दो मिनट के लिए मैं पकाऊंगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। ये कलरफुल सा नमकीन फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने एक मज़ेदार सी सॉस बना ली है रेड। मुझे सिर्फ इसका रेड कलर चाहिए था। अब इसको मैं ठंडा करूँगी तो ठंडा करके तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं दो अंडे फेंक लूँगी। अंडे मैंने फेंक लिए, उसमें मैं तकरीबन आधा टीस्पून के करीब ये काली मिर्च डाल दूँगी पीसी हुई और आधा टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इनको अच्छे से फिर फेंक लेती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। एक सब्ज़ मिर्च बारीक मैंने काट ली थी वो चली जाएगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया वो भी बारीक काट लिया तो वो भी इसमें चला जाएगा। इसको फिर मैं अच्छे से फेंक लेती हूँ। टीस्पून के करीब आप मैं इसमें गर्म मसाला डाल दूँगी। यहाँ पे मैं एक ब्रेड के स्लाइस को ये जो मैंने रेड वाली सॉस बना के अभी चिकंदर की रखी थी तो ये एक साइड पे लगा लूँगी। ये देखें इसका कितना प्यारा कलर लग रहा है। एक स्लाइस पे मैं ये लगा लूँगी। दूसरे स्लाइस पे मैंने ये धनिया सब्ज मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के ये इस चटनी को पीस लिया था। दूसरी साइड पर मैं ये लगाऊँगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ का स्लाइस लूँगी और वो इसके अंदर रख दूँगी इस एक साइड पे। दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखूँगी। इस अंडे में मैं अच्छे से डिप कर लूँगी इसको। और पैन में चूल्हे पर रखा हुआ था, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अब इस स्लाइस को मैं अच्छे से अंडे में एक दफ़ा फिर कोट करके तो इसमें ऐसे इसको डाल दूँगी। ये दूसरा टोस्ट भी मैंने इसी तरह बना लिया और इसको भी मैं ऐसे अंडे में अच्छे से डिप कर लूँगी। आग मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है तो हल्की आग पर मैं इसको फ्राई करती हूँ। ये देखें दोनों साइडों से हमारी ब्रेड अच्छे से सीक गई है तो देखें इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और देखें कितनी मज़ेदार और कितना कलरफुल सा ये हमारा नमकीन फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार हो गया। ये देखें कलरफुल से हमारे फ्रेंच टोस्ट बन के नमकीन तैयार हो गए। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।